मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोल की अद्भुत कथाएं। सिद्ध मां से संबंधित एक याद है, वो मैं आपसे आज साझी कर रहा हूं, क्योंकि जब यादों का सिलसिला चलता है तो मैं उन्हीं में से जो मुझको पढ़ने को मिल रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे कहीं से व्याख्यान मिल रहा है, उन्हीं से ये श्रृंखला चल रही है। 251 का संकल्प मुझे जब मैंने लिया था, जिस दिन आपको 251 कथाएं मैं लगातार अब सुनाऊंगा, ये श्रृंखला 251 तक जाएगी, तब मुझे एक बार ऐसा लगा था कि मुझे बहुत ज्यादा श्रम और बहुत ज्यादा मुझे भागदौड़ करनी पड़ेगी तब मैं ये कथाओं की श्रृंखला पूरी कर पाऊंगा। लेकिन ये आप लोगों का स्नेह है, महाराज जी की कृपा है कि ये श्रृंखला मेरी बहुत कम श्रम में, श्रम तो मैं कहूंगा ही नहीं कि ये तो बस ये है कि लगता है कि आप सामने हो और मैं आपसे बातें करता रहूं, ऐसे ही चल रही है। तो जो चीजें मेरे संज्ञान में आ रही हैं मैं आपको उन्हीं को बता रहा हूं। बहुत सारे सोर्सेस हो गए हैं, ऐसे जगह जगह से फोन, जगह जगह से पत्र, जगह जगह से कमेंट्स आ रहे हैं और उनमें हम आपको ये सब चीजें बता रहे हैं। तो आज की कथा पर हम आते हैं, सिद्ध माता से संबंधित ये कथा है। सिद्ध माता जिनके बारे में मैंने अभी कुछ ही दिन पहले आपको बताया है, तो वो एक बार बहुत गंभीर बीमार पड़ गई, बहुत गंभीर। स्वास्थ्य की दृष्टि से वो ऐसी हो गई कि उनको चलने में फिरने में बड़ी कठिनाई होने लगी, बिना किसी की सहायता से वो चल नहीं पा रही थी। दिखाया गया, जब दिखाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें कैंसर की बीमारी घोषित कर दी। अब आप समझिए कि जर्जर शरीर हो गया हो और डॉक्टर ये कह दे कि कैंसर की बीमारी, तो भैया फिर तो कुछ रहता ही नहीं है। आदमी को यह मालूम पड़ जाए केवल कि हमारे शरीर में कैंसर की बीमारी हो गई है तो आधी जान तो उसकी, मतलब परीक्षण की जांच या बिना जांच के डॉक्टर की सूचना से ही वो आधा, मतलब मरीज अपने आप में खत्म सा हो जाता है। माता को जब ये पता चला, मां को कि ये पता चला कि कैंसर है, लेकिन वो मां बाबा का सानिध्य है, शरीर चाहे कितना ही कमजोर हो जाए आप अपनी क्रियाएं करती रहीं। उसी समय महाराज जी का संदेश मिला कि माई आ जाओ, वृंदावन आ जाओ। मां वृंदावन में कोई ऐसी उस समय कोई व्यवस्था भी नहीं थी, आज भी नहीं है बहुत ज्यादा एक इस विशेष बीमारी के लिए, लेकिन महाराज जी ने बुला लिया। महाराज जी का संदेश मिला, सिद्ध माता वृंदावन आश्रम। देखा बड़ी जर्जर काया हो चुकी है। महाराज जी ने कहा कि क्यों, क्या बात है मां? दोनों लोग आमने सामने बैठे, तो महाराज जी ने तुरंत खाना खा रहे थे उस समय, तो भोजन प्रसाद में से बस उन्होंने एक रोटी और थोड़ी सब्जी अपने थाली में से निकाली और दे दी कि ले खा। मां ने वो रोटी हाथ पे ही रख के उस सब्जी से खा ली, कोई देता है तो बस उन्होंने खा के, और ये कहा कि ठीक है, बीमार है, ठीक हो जाएगी। ये बातचीत उन दोनों, तो आपको पता है कि महाराज जी हनुमान स्वरूप हैं, माँ कात्यायनी का रूप है, दो देवी देवताओं के बीच में बातचीत हो रही है, और ये उन्होंने वो रोटी और सब्जी खाई। वो रोटी सब्जी खाने के बाद माँ में इतनी शक्ति आ गई कि वो चंद दिनों के बाद नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन सारे तीर्थ अकेले कर आए। वहां के जो तीर्थ थे वो सारे के सारे तीर्थ अकेले कर आई। और आपको बता दूं, वो रोटी क्या, भगवान जब प्रसाद दे दे तो फिर वो महा औषधि का रूप मां के लिए हो गया। और मां स्वयं थी, ये नर लीलाएं थी, और ये नर लीलाओं में बीमारी है, हारी है, ये सब कुछ जो बिल्कुल एक साधारण मानव के साथ होता है वो उन लोगों को वहां उस लीला में करना ही था। और एक विशेष बात, महाराज जी के महाप्रयाण के बाद
लगभग 44 साल माने उनके महाराज जी के जो काम थे, महाराज जी की जो मंदिर है, महाराज जी की जो व्यवस्थाएं, उनको संभाला, उनको कार्य किया और 90 वर्ष के लगभग उम्र में 28 दिसंबर 1917 को विदा ली। तो कोई बीमारी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मां को महा औषध देने वाली शक्ति की ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।